बताइए क्या समस्या है। बिल्कुल बोलिए, क्या बताइए ना, क्या बताइए। विकास मित्र के वाले 2010 में निकला। विकास मित्र का चयन तो बहुत पहले ने किया जी, आज का नहीं है विकास मित्र का। विकास मित्र के वाले 2010 में निकला था, उसमें हम अप्लाई किए थे। क्या कोई समस्या हुई उसमें? विकास मित्र का चयन तो पहले ने करवाए थे, ये सब तो पुरानी चीज है, लेकिन आपको क्या समस्या बताइए, समझना चाहते हैं। समस्या सभी जगह डॉक्यूमेंट दिए, सब जगह आवेदन दिए, उसमें पहला स्थान होने के बावजूद बहाल नहीं हो, बिना आवेदन किए हुए व्यक्ति का आवेदन नियुक्ति पत्र दिए। इससे पहले एक बार और यहाँ आए थे, यहाँ भी दिए, वहाँ बहाल ही नहीं किया। वहाँ बहाली नहीं हुई है, बहाली हो गया, माइक पे बोलिए, बहाली हो गया सर। तो समस्या क्या, बिना आवेदन किए हुए व्यक्ति का आवेदन नियुक्ति पत्र दे दिया, ये इनको क्या समस्या है सर? ये कह रहे बहाली में इनको इनका इनका कंसीडर नहीं किया, यही कह रहे। अच्छा, बहाली में कंसीडर नहीं, जो पोस्ट खाली होती रहती है सर, उसमें बहाली होती रहती है, मान लो किसी कारण से खाली हो गई। अच्छा, तो आवेदन दिया लेकिन बहाली में नहीं किया, वो तो और कोई होगा सर कैंडिडेट, उसका इसका डिटेल बताइए। लोक शिकायत के बारे में दो आदमी हम लोग आवेदन किए, हालांकि जो आवेदन नहीं किया था उसका बहाल कर लिया गया मेरा। ये तो इंडिया है ना भाई, सर ये नेगेटिव लिस्ट में है सर, नेगेटिव लिस्ट में होता है सर। इनको लगा ना मंत्री को जिस हिसाब से। हेलो, अरे जरा देख लीजिए, बेगूसराय से एक व्यक्ति आए तो विकास मित्र के चयन ये ध्यान नहीं दिया है, यही इनका आरोप है। अप्लाई की तो जरा देख लीजिए, काहे नहीं ध्यान। बैठ जाइए, अपना सूची कर लीजिए। 2003 में बहाली हुई थी, इसमें मेरा नंबर मुझको ये बता था, उसके रहते हुए मुखिया द्वारा सर उसे लेकर सर गलत ढंग से बहाल किया गया, आज तक मैं भोग रहा हूँ सर। मैं कई बार एप्लीकेशन दिया, थोड़ा साथ दिया तो पार्टी द्वारा मान्य पिटने की धमकी दी गई सर। शिक्षा मंत्री बैठ गए, अनुसूचित जाति के लिए सर चुप कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के माननीय कटौती से बैठ कहाँ टेस्ट हुआ था? दिल्ली एम्स में गया था सर, इलाज के लिए वहीं। कब की बात है आपकी? 8 अक्टूबर 2020 को। पिता थे आपके? जी है। अच्छा, दिल्ली गया था ट्रीटमेंट के लिए,
तो वहाँ डेथ हो गया। रमदान राशि के बारे में बात कर रिलेटेड बोलिए अभी समस्या बोलिए। मैंने 16 में मैट्रिक पास आउट किया फर्स्ट डिवीजन राशि नहीं 16 का पैसा नहीं मिल रहा नहीं मिला अरे हेलो। अरे भाई भागलपुर से एक नौजवान है उसको मैट्रिक पास किया छात्रवृत्ति पास किया 16 से तब से उसको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं बैठ जाइए। छुड़ी छुड़ी आप बोलिए समस्या अपनी माइक में। जी सर मैं माइक जी मैं मोहम्मद सुल्तान हुसैन किशनगंज से आया हूँ सर। मेरा मामला जमुई जिला से संबंधित है। मेरा छठा चरण 19-20 में स्नातक कोटि के उर्दू शिक्षक के पोस्ट में चयन किया गया था। क्या दिक्कत हो रही समस्या यह है सर मेरा नियोजन नियुक्ति पत्र रोका गया है 50 अंक उर्दू विषय बोल के, जबकि 2014 से ही उर्दू विषय 50 अंक को वैलिड किया गया है जिससे संबंधित मेरा तो किए ही न पहले ही से उर्दू के लिए पढ़ाई के लिए तो सब जगह तो हमने व्यवस्था करने के लिए सबको टीचर को अपॉइंट करने की बात बहुत पहले का किया हुआ है। आपको समस्या क्या मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है जो 50 अंक उर्दू विषय पठित विषय है। चल तो बताओ ग्रेजुएशन पास आउट किए और मुख्यमंत्री कल्याण किसान योजना ग्रेजुएशन का है 2019 में मुख्यमंत्री कल्याण किसान योजना के लिए फॉर्म भी लगती है लेकिन उसका पैसा नहीं मिला तो कहाँ पास की थी बांका में लगाई शिक्षा लगाई हेलो एक लड़की आई है बांका से ये पास की है ग्रेजुएशन 19 में हाई स्कूल की प्रोत्साहन राशि करता हूँ हम लोग दे दिए हैं नियम बना दिए हैं कि हम देंगे इंटर पास वाला तो नीचे तक है ग्रेजुएशन को भी देने के बारे में कर दिए तो तुरंत देखिए कराइए आपको जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका दूसरा किस्त क्यों नहीं मिला दूसरा किस्त क्यों नहीं मिला बोल रहे नहीं आया है लिस्ट में दिया क्या करे पुलिस बोल रहा है कि नहीं आया वही तो लिखा हुआ तो देख रहे हैं ठीक है ठीक है उसको दो आइए तुरंत
समस्या बोलिए माइक नजदीक सर। एक आंगनबाड़ी सेविका पद पे काम कर रही थी ढाई साल से। आंगनबाड़ी सेविका का तो कर दिया है ना, नया नियम ऐसा सबको बन गया। कोई जिक्र नहीं था, समाज कल्याण को दीजिए। आंगनबाड़ी सेविका का तो अब सब कुछ बात हुई है ना, पहले सब आई थी जय बुलाई और बोली कि मुझे अरे उसको तो भेज दिए। अरे देख लीजिए, कह रही है उससे घूस मांग रहा था पैसा, उसे बच्चे पूरा पूरा देख लीजिए, जो कोई गड़बड़ी हो गया तो एक्शन। बोलिए सहायिका सेविका सहायिका की नियुक्ति में पश्चिम चंपारण से आठवां पास का हो गया, मेरा मैट्रिक पास था और मेरा आपके साथ ही हुआ नियुक्ता है। मामला भी सर महिला का और इसी तरह से और एक मिनट होल्ड करिए, आपका भी यही है सेविका सेविका सहायिका से है जरा से खड़े रहिए। अभी आंगनबाड़ी सेविका के छे ठीक है, दोनों का लिख ली जय भाई दोनों आदमी आई गया ये पकड़िए समस्या बोलिए सर। चार वर्षों से मेरा संपादित सर नहीं हो पाया था, स्थापना में दौड़ते दौड़ते सर हम सब गए, हर चीज थी सर, घर का बहुत खराब देन की होती है। ठीक दो इन आई इसका पद आई कागज बोलिए जी सर।
आंगनबाड़ी में चाहिए गड़बड़ी सब पैसे के मांग किया था सर, पांच अंक जोड़ना नहीं चाह रहा है, पांच अंक जोड़ना नहीं चाह रहा है और पैसे के मांग किए और दूसरे के चयन कर पैसा कौन मांग रहा है? CDPO मांगे है सर। लगाओ लगाओ जैसा और बोलता है कहीं भी जाओ, लेकिन अरे भैया तो देख रहे हैं लगातार आ रहा है ये तुम्हारी समाज के लिए, यहाँ जो कटिहार से आई है निशा भारती ये भी कह रही है, ये बोल रही है कि से घूस मांग रहा था। कौन किसके बारे में? CDPO घूस मांग रहा था इसका जो कंप्लेन। तो जब देखिए साहब तो बात हो गई है तो एक्शन भी करना चाहिए ना, इस तरह से ऐसा कैसे कोई हिम्मत करता है ये सबके चेयर पूरे तौर पर देखिए ठीक से। एक मिनट रुको मेरा इधर आइए। अगर आप समझ लीजिए कि अगर इस तरह का कुछ भी पता चलता है कि कोई घूस मांग रहा है तो जरा आप लोग भी इसको देखिए। किया जा सकता है सब चीज मैं देख लेता सर। समझ गए ना, इसलिए बुला के आप लोगों को इसके तो नियम बनने की बात हो गई ना, वो तो हो गई सर। लेकिन इसके बाद भी जगह जगह का शिकायत आ रहा, आपका जांच जरा कर गई सर, सर ये ठीक नहीं। चार मामले हैं सर ऐसे लोगों पर तो बिल्कुल एक्शन करने चाहिए, कैसे हिम्मत करता है समाज कल्याण। चार मामले कैसे चारों की इंक्वायरी होगी, सब 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 करेंगे ठीक। लव जी लाइव माइक में जी का ठीक। एसटीटी में क्वालीफाई की थी, बोलिए बोलिए सर। उसमें सर्टिफिकेट जो रिलीज हुआ था वो पापा के नाम के टाइटल में ए मिसिंग है सर। मैं कई बार बोर्ड ऑफिस, पटना बोर्ड ऑफिस और रीजनल ऑफिस गई हूं। ठीक है, वो कर देगा, बात कर शिक्षा मंत्री को दो। आप क्या क्या पास किए? क्या पास किए बाबू? कौन परीक्षा पास? बी ए एडमिशन। अच्छा, ग्रेजुएशन का इसका भी है मामला है? ये भी ग्रेजुएशन है कम लगा अभी भेजे हैं उसका तो देख ही लीजिए आप ही को कहें आप देखिए। लेकिन सबसे बड़ा फिर देख रहे हैं कि समस्तीपुर से आई है, ये भी पास की है बीए ग्रेजुएशन, इसका भी 19 से इसको भी प्रोत्साहन राशि। क्या क्या है सबसे देखिए देखिए ये आपका समस्तीपुर जिले की है, तुरंत देखिए ठीक।
आइए मेरे पापा का डेथ कोरोना से हुआ 2021 में अप्रैल में। उसके बाद हम सर्टिफिकेट सब ले जाके ब्लॉक में जमा किए। डेथ कहाँ हुआ? तलसिंह सराय हॉस्पिटल में, यही पर समस्तीपुर में। कोरोना से हुआ कहाँ नहीं मिला? सर ब्लॉक में गए, वहाँ पेपर जमा किए तो वो लोग बोले कि आपका पेपर स्वास्थ्य विभाग में जमा हो गया है, वहाँ से आपको कॉल जाएगा। लेकिन जब वहाँ से कॉल नहीं गया तो हम ब्लॉक में कॉल किए तो वो लोग बोले कि आपका कागज जमा हो गया है। हेलो, अरे ये भी आ गई है महिला, इसके पिता की मृत्यु 21 में हुई है, इसी के चलते फिर इसको नहीं मिला है, दिया है सर्टिफिकेट सब कुछ। ठीक है तो बता दो। बैठ जाइए, कागज दे दीजिए। मास्क नीचे करके इसमें बोलिए अपनी समस्या है। बोलिए मैं बोली बोलिए 2018 मेरे ठीक है 17 सितंबर 2018 बैठ जाइए। बोलिए मास्क नीचे कर लीजिए। ठीक है बात हो गई है, सब देखा जा रहा है। ठीक है बात हो गई, अभी बात ठीक है। ठीक है आदाब सर। माइक में नजदीक होके सर के बोलिए अपनी समस्या। माइक नजदीक। सर हम एक किसान का बच्चा गरीब आदमी है सर, जो गाड़ी लिए थे उसका 2,46,000 का पेड करके डाउन पेमेंट करके गाड़ी दिए सर। इसके बाद उसको सारा पैसा जो चुकता कर दिए सर, लेकिन उसका NOC नहीं दे रहा, जिसके वजह से कमर्शियल गाड़ी है सर, भाड़ा वाड़ा चलाने के लिए कॉमर्स करे। अरे उसका कागज भाई कल ले रहा हूँ। प्रणाम सर, दराज में दोबारा आया हूँ, मेरा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रहा है सर, बहुत जगह इधर उधर घूम लिए हम सर। एक बार आया था यहाँ पे, आप बोले कि जाओ वहाँ पे समझ लो, फिर भी नहीं मिला। मैट्रिक पास किया, हाँ फर्स्ट डिवीजन से पास किया था मैट्रिक, हाँ 2017 का है सर। दो नमस्कार सर, माइक में देखो बोलिए समस्या। हम बंगाली गांव के रहने वाले हैं सर, बक्सर जिले में।
लेकिन उस गांव के कुछ स्वास्थ्य के लगा ना आपको जी सर साहब आप हेलो ये बक्सर से एक व्यक्ति आए हैं अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र कह रहा है कि मैंने वहां पर सब कुछ दिया हुआ ठीक मैं ठीक है इसको आज फाइनलाइज कर दिए बता दो ठीक ठीक आप 7 दिन पहले मिले भी हैं जी जी ठीक कह रहा हो जाए नमस्ते सर सर पंचायत शिक्षक नियोजन मधुबन पंचायत मधेपुरा का सर मामला है उसमें हम अभ्यर्थी हैं सर और नियोजन के समय 8 अगस्त को नियोजन था सर दिसंबर को और नियोजन के समय सर फर्जी स्वतंत्र सेनानी का प्रमाण पत्र लगा के अंकित आनंद का कर दिया गया सर और हम आपत्ति किया आपत्ति पे कार्रवाई भी हुई सर जांच उपरांत पाया गया कि उसका आवेदन में नहीं लगा था स्वतंत्र सेनानी का प्रमाण पत्र उसके बावजूद भी सर मेरा अभी तक नहीं करवाया गया है कौन सर से आग्रह है सर हम क्या हेलो अरे ये एक शिक्षा से यहाँ से मधेपुरा से आज सुरेंद्र कुमार बता रहा है कि पंचायत शिक्षक नियोजन में काफी अनियमितता कर रही है दावा था उसमें नहीं कर रहा तो देख लीजिए ठीक है पूरी बात बताइए जिला योजना के लापरवाही के कारण जी 2016 में मैट्रिक पास किए थे प्रथम आप ही किए जी आपको ऐसा सब आया है सब कठिन दिखे हमारे स्कूल के जनरल के किसी बच्चे हेलो अरे ये भी एक लड़का पूर्वी चंपारण का है गौरव कुमार ये कह रहा कि 16 में हम मैट्रिक पास के पास्ट इसको अब तक भी नहीं प्रोत्साहन दे सकता लिख लीजिए तुरंत नाम से समस्या बोलिए चंपारण में ICDS में मैं प्रखंड संवेदना के पद पर भरा था और मुझे अयोग्य कर दिया गया ये बता के कि आप मोहल्ला मिस कॉट कारी भंडार रोड पूर्वी चंपारण के निवासी हैं जबकि हम उसमें मेरा क्या बोलते हैं इंटरव्यू भी हुआ था और काउंसलिंग भी हुआ था उसमें मेरा डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हुआ था फिर भी मुझे अयोग्य साबित कर दिया गया या पूर्वी चंपारण के निवासी है जबकि सर आर्टिकल में सर ऐसा कुछ है आपकी शिकायत बहाली के संबंध में क्या गड़बड़ी कुछ किया है जी बहाली में गड़बड़ी किया जी सर बहाली माइक बोलिए ना आगे आवाज बहाली सर गड़बड़ी हुआ है उसमें अगर मुझे लग रहा है कि सर दूसरे कोई कम कर दिया गया है मेरे जगह ठीक है आप जाकर के जरा वहाँ पर देखिए समाज कल्याण वाले है ना समाज कल्याण के मंत्री को लगा दो मंत्री नहीं आया मंत्री जी नहीं समस्या बोलिए पेपर सचिव हाँ साहब बात करूँ
हेलो, वो आप क्या भेजे हैं? पूर्वी चंपारण के एक व्यक्ति करा राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत प्रखंड समन्वय की बहाली में कुछ गड़बड़ी किया है। नमस्कार सर। सर मेरे दो शिक्षक मगध विश्वविद्यालय से बीए और बीएड किए हैं और सर उनके डिग्री के लिए मैं 3 सालों से मैं दौड़ रहा हूं उस ऑफिस के चक्कर में और सर 24 बार मैं जा चुका हूं और 12 बार मैं कागज सत्यापन कराकर जमा भी किया हूं और सर खुद क्लर्क से लेकर चपरासी तक सर पैसा मांगता है सर। और पिछले साल सर हम गए थे 23 जुलाई को, हमें पूरा याद है, तो सर 1500 रुपया भी लिया हुआ, लेकिन सर फिर वही बात, तो हम आरटीआई भी किए सर, आरटीआई का जवाब नहीं दिया और इस लूट खसोट के विरुद्ध में मैं सर राजभवन को भी मैं आरटीआई किया तो मेरा आरटीआई उधर ट्रांसफर कर दिया गया और सर मैं लोक सूचना अधिकार में भी मैं प्रथम अपील किया हूं तो मेरा परसों सुनवाई है सर, तो सर इसमें उचित मार्गदर्शन मुझे प्राप्त किया। एक बात बताइए कि आप रहने वाले पूर्वी चंपारण के हैं? जी हम पूर्वी चंपारण के हैं सर, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं सर। मगध विश्वविद्यालय में? सर मेरे शिक्षक का है यह, हाँ उनके ओर से मैं गया था, वो असमर्थ थे जाने में, मोतिहारी से सर मगध जाने में असमर्थ थे तो मैं गया था। तो बता दीजिए मुझे करके माइक में भी अपनी समस्या बोल। सर मेरा प्रणाम। आपका भी आंगनबाड़ी सेविका बहाली में है जी सर, तो इसके लिए किया जा रहा है, तुरंत दो इनको। आई, आई। ठीक है ठीक है, तो कह दिया गया है यही पूरी बात पता नहीं। बैठ जाइए करके अपनी समस्या बोलिए माइक। दिक्कत क्या है बोलिए। सर हमको पैसा नहीं मिला सर, आपदा प्रबंध में गए, बोला कि अब मिलेगा, कागज हरा गया है, डांट के भगा देता है, ऐसे करते करते इतना दिन कर दिया सर। तब आपका पास आया, कोरोना से मृत्यु कब हुई? एमएमसीएच में हुआ था। कब हुआ? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 2021 को एनएमसीएच में। जी एनएमसीएच में हुआ था। अच्छा किनका हुआ था? कौन था? मेरा पति था। हस्बैंड? जी सर। लगा कुछ स्वास्थ्य बात हो रही है, बात में यहाँ है बात हो रही है। जी सर। हेलो, अरे महिला आई हुई से पूरा किया है, उसके हस्बैंड का हुआ था डेथ वही कोरोना से ही, और यही हुआ एनएमसीएच में, लेकिन उसको मिली नहीं ना। है? हाँ ठीक हो जाएगा। जाइए सर, मैंने डिप्लोमा के लिए लोन लिया था अर्जुन क्रेडिट कार्ड के तहत, जिसके लिए मुझे लगभग 90,000 रुपया मिला था। उसके बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया और मैंने कहा रिमेनिंग 3,10,000 जो कि 4,00,000 टोटल अमाउंट होता है अर्जुन क्रेडिट कार्ड के तहत, वो मुझे दिया जाए, जिसके लिए मुझे कहा गया कि एक कैंडिडेट को एक ही बार मिलेगा, आपको आगे के लिए नहीं मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एक बार ही बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड योजना तो है वो शिक्षक के लिए। एक बार तो लोन ले लिया सर,
एक बार डिप्लोमा के लिए लिया। अच्छा तो जाके इसको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो अलग चीज एक दूसरे के लिए मिला दूसरी चीज के लिए। अच्छा तुम बताओ बैठ जाए बोलिए। सर की हमको पति के सब हत्या कर रही हैं, चार को बाल बच्चा है तो हम कैसे पूछ सकते हैं, कुछ काम दीजिएगा। बूढ़ा भी कुछ खर्चा वर्चा दे रहे हैं। ठीक है ये तो होता ही नियम ही है, बता दीजिए। समस्या बोलिए। कोरोना काल में मेरी पत्नी खराब। कब? पांच पांच क्या पांच पांच 2021 कहाँ बढ़ती हूँ बिरसू कहाँ हुई थी? है औरंगाबाद में हुई है। औरंगाबाद ठीक है होगा। हाय हाय बैठ जाइए। क्या बोलिए माइक में? क्या हुआ जी, कब स्नातक पास किए? कब पास किए बाबू? बोलिए बेटा कब पास किए? 2020 जिसको भी नहीं मिला है। कहाँ पास की थी? पास की कहाँ से पास की? कहाँ से पास की? जगदीशपुर केके मंडल कॉलेज। जिला मंत्री जी को शिक्षा ग्रेजुएशन की जी सर साहब आप हाँ ग्रेजुएशन की है ना बाबू? हाँ भोजपुर से आई है लड़की खातून, तो भी 19 में स्नातक पास की राशि ने पास किया। बैठिए बैठिए बोलिए बोलिए सर समस्या बोलिए। अभी तक ग्रांट कब हुआ है? 24 21 में किनका डेथ हुआ? किनका डेथ हुआ? 24 जून 2021 किनका डेथ हुआ? मेरा भतीजा का। ये ठीक है तुरंत देखिए। इसके बाद एक मिनट के लिए बैठ जाइए। समस्या बोलिए सर। तो बोलिएगा सर नमस्कार सर। सर क्या आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में क्या एजुकेशन लोन लिए थे? हम सीपेट कॉलेज के हाजीपुर स्टूडेंट हैं, वो एजुकेशन लोन लिए थे लेकिन अभी तक पूरा फाइनल नहीं हो पाया है एजुकेशन लोन। ठीक तो देखेंगे तो एक मिनट के लिए उनको बुलाइए बंद कर।
अपने नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का रखे इस स्नातक पास ही रखो भाई, इसका मतलब ये तो आप देख लेंगे कि जो स्नातक पास जो है, अब जो अगर मान लीजिए कि वो पास किया सपोज करिए कि ग्रेजुएशन, और उसका फिर ये यूनिवर्सिटी वाले के चक्कर में हम लोगों का ये क्या है इन्वॉल्व रहता है। असल में फिर वो स्नातक पास करके हम लोग तो फर्दर पढ़ने के लिए देते हैं, तो वो एडमिशन लिया और क्लास कर रहा है ये वेरीफाई हम लोग कराते हैं उसको सब महिला को इतना अमाउंट देंगे। अब जब इतना देंगे और वहां पर कोई गड़बड़ कर रहा है तो नियम बदलिए, जो भी पास करेगा यूनिवर्सिटी जाके कह रहे हैं। नहीं सर, हम लोगों ने उसको सर थोड़ा सा चेंज ये करा रहे हैं कि अभी होता क्या है सर कि वो लड़का अपने या लड़का लड़की जिसका भी वो अप्लाई करता है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसका वेरीफाई करके हमको पोर्टल पर भेजता है तब पेमेंट होता है। तो हमने यही कहा है कि ये लड़की जो भी बीए की है वो इंटर तो हमारे यहाँ से की होगी, उसका डाटा हमारे पास है ही है क्योंकि इंटर में भी हम सब पैसा देते हैं उसको। तो हमने कहा है कि आप वहीं से डाटा ले लीजिए उसका लड़की का और उसको यूनिवर्सिटी को एक फिक्स टाइम रहे कि इतना दिन के अंदर वो कर देगा, नहीं तो हम लोग मान लोग यही सब टाइम बाउंड कर रहे हैं सर उसको। हम लोग एक हफ्ता में यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, जो कोई अप्लाई किया ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया, अगर एक हफ्ता में यूनिवर्सिटी नहीं कुछ निगेटिव रिस्पॉन्ड करती है तो हम लोग मान लेंगे जी वो अभी है सर, बहुत सारे मैटर पेंडिंग है। वाजिब देख करके आश्चर्य हो रहा है और आपसे जो हम बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाला ये कर यूनिवर्सिटी वाला करता है वही पेंडिंग है ना, तो अब इसको ऐसा कर दीजिए कि जिसको ताकि डिपार्टमेंट इस काम को वो हम लोग उसको देख लीजिए, वही हमको इसलिए कह रहे हैं, इसलिए आपको भी बुला कर समझ समझ गए ठीक भी तो वही बात तो पहले बता अबुला। बैठ जाइए बैठिए इसके बोलिए क्या बोलिए मास्क नीचे कर लीजिए बोलिए क्या दिक्कत है बोलिए। कहाँ गए थे जिला से आए थे, कहाँ किया था डेट, कहाँ हुआ था डेट, हुआ महाराष्ट्र पहले कोरोना। चलिए वो बता देंगे आपको, भेज दो। आइए आइए इधर आइए इधर आइए। ओके सर बैठ जाइए आवेदन लिखिए, ये समस्या बोलिए माइक मास्क नीचे कर लीजिए। किनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, किनकी मृत्यु हुई है? मेरे पति की। क्या पटना में हुई है? जी जी पटना में सत्यम में हुई है सर, उस टाइम तो रखा नहीं है सर, इतना पैसे एडवांस में किए 5-7 लाख से क्या खर्चा ही नहीं थे, क्या इलाज हुआ ही दोनों मामले आपका कहाँ हुआ है, किनका हुआ है? ये बाबापुरी में हुआ हॉस्पिटल, लेकिन किनका हुआ है, किनका डेथ हुआ? मम्मी का, मम्मी का, मम्मी मदर का। हेलो हेलो आई दो आया नालंदा से लड़की आई है निर्मला, इसके आपके हस्बैंड का हुआ है? जी सर। हाँ इसके हस्बैंड का भी 21 में 28 को हुआ और पटना में हुआ और एक हाँ बिंद का ही है और दूसरा नालंदा के कंगर सराय का है, तो ये भी एक है लड़का इसके माँ का, तो ये भी कह रहा है कि इसके माता की मृत्यु हुई, अभी मृत्यु हुई है, तो देख लीजिए तुरंत कह दीजिए इन लोगों को ठीक है। इसका बना नहीं जानता है गौतम भला, ये तो कह रहा है कि मृत्यु पावापुरी हॉस्पिटल में, चेक करवा लीजिए ठीक है, दोनों को देख लीजिए जाइए। ये बीएसआर इसका कुछ मेंशन नहीं किया था लेकिन इसका बैठ जाइए दिल्ली में मेंशन नहीं किया था लेकिन दिल्ली में ठीक है। नमस्ते सर ठीक है इनको भेज दीजिए। आइए आइए
अगर 20 में हमने सर कार्ड आया था उसमें सब रसोई चलाया था, अभी तक उसका पेमेंट नहीं मिला। अग्रिम के रूप में 15,000 ही मिला। ठीक है, आपका प्रबंधन को तो पूरी बात बता दीजिए। बैठ रही है सर। मैं अपनी वाइफ का स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई किया था 2020 में कन्या उत्थान के अंतर्गत। इससे पहले भी मैंने एक आवेदन मैं आपके पास आया था, तो उन्होंने कहा था कि पेमेंट जो है कि दे दिया जाएगा, दो साल होने वाला, अब तक पेमेंट जो है कि मतलब स्कॉलरशिप का राशि नहीं दिया जा रहा। ठीक है, आपकी वाइफ है? जी जी। तो कब पास की? 2019 में पास की थी। वही क्या कौन पद पास की? आलिम पास की थी। हाँ, ग्रेजुएशन की थी। जी, ग्रेजुएशन। ठीक, कर लीजिए। बोलिए सर। नमस्कार सर। सर मैं बीते दिन एक बार और कंप्लेंट करने आया था सर, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा है। मैं बताया गया था पूरे में कि आपको जो है एक्सीडेंट के बाद जो है अनुग्रह राशि दी जाएगी, और सर ये नगर पालिका के नगर निगम गाड़ी से हुआ था सर। घटना का ही किया था सर, हम शिवान में कई बार गए और यहाँ भी कितने दौड़ने के बाद कोई सर सुनवाई नहीं हुआ। कब की बात? बीते 10 जून 2021 की बात है। यहाँ पे आए भी थे सर हम। ठीक, हेलो। अरे भाई, एक सिवान से है, मृत्यु दुर्घटना में किनकी हुई थी? भाई की। भाई की? इसके भाई की मृत्यु हुई है दुर्घटना में, कैसे? उसको अनुदान का राशि नहीं मिला है? कब हुआ जी? 10 जून 2021। 10 जून का। ठीक है, उसको भेज रहे, समझा दे, देख लीजिए हम लोग किए पहले वाला क्या किया जा सकता है। सर मेरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था, तो हम अप्लाई किए थे, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो गए बीटेक के सर, तो हमको पूरा नहीं मिला पैसा सर। इसमें मैनेजर सहरसा का बहुत बड़ा रोल है सर, हम उनको दो बार ही बोले कि सर हमको पूरा फीस दे दीजिए, मेरा 30,000 कट कर दिए। उसके बाद लैपटॉप के लिए हमने कहा, तो हमको बोला गया कि आपको थर्ड ईयर में मिलेगा सर, जबकि लैपटॉप का फीस पूरे मेरे कॉलेज में सबको आ गया, सिर्फ मेरे नहीं आया 35,000। फीस भी मेरा कट गया सर। घर की स्थिति सर थोड़ा सही नहीं है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं सर, बीटेक छोड़ रहे हैं सर। हेलो। अरे बीटेक लेवल सहरसा का है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जय हाय। माइक के नजदीक
हमारे वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र खुला लगभग 2010 में। उसके बाद दबंग व्यक्ति है और सेविका जो आज तक एक भी सरकारी लाभ किसी बच्चे को या कोई भी प्रकार का नहीं दिया, वो फर्जी विड्रोल भर करके अस्थायी राशि गमन करते रहा। उसके बाद 2017 से हम आवेदन देना शुरू किए प्रखंड से लेकर यहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार लोक जन शिकायत, बिहार लोक जन शिकायत, लोक जन शिकायत, जिला लोक जन शिकायत, हर एक जगह हम दिए, देते देते थक गए, लेकिन आज तक एक भी जांच वहां पर नहीं पहुंचा। उसके बाद डीएम साहब के यहाँ बुलाया गया 6 अगस्त को यही मैटर में जनता दरबार आने के लिए। तो हम पहुंचे तो संबंधित पदाधिकारी भी वहां पर आए थे, हमसे पूछने लगे सवाल और बोले हेलो, इसका देख लीजिए, दरभंगा से क्लिक किया है मिथिले से कि करा आंगनबाड़ी केंद्र की राशि का जिस सेविका के द्वारा गबन कर दिया मिलता नहीं। ठीक, देखिए थोड़ी थोड़ी अपनी समस्या भूल मेरी ये समस्या सर मेरी सुनेंगे बोलिए सर। सर बहुत दुख की बात है सर कि एक साल पहले भी हम सर इसी चीज के लिए आए थे और सर आपके दरबार से हमें न्याय नहीं प्राप्त हुआ सर, फिर हम आ जाए हैं उसी चीज को। सर 28 फरवरी 2020 को स्टडी काउंसलर का हमने इंटरव्यू सिविल सर्जन मोतिहारी के समक्ष दिया था, उस दिन से लेकर के अब तक सर मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुई है और सर उसके इंटरव्यू देने के कुछ ही दिन के बाद सर कोरोना का ये लग गया पाबंदी। फिर आए थे, एक साल पहले आए थे। हाँ सर, उसी चीज के लिए हम आए हैं सर। कब आए थे? 9 अगस्त 2021 में सर, आज सर 8 अगस्त। जय दीपक जी। ये एक साल पहले ही आदमी आया है इसी चीज में और उसमें जो भी बातचीत किया गया है अब तक नहीं हुआ, फिर दोबारा ही आदमी उसी चीज के लिए आया। 9 अगस्त को आए थे 2021, अब तक अभी नहीं आते। जब पूरा बात समझिए अब तब जाकर के स्वास्थ्य वाले को बुला करके कही क्यों हुआ, एक साल पहले जब आया मतलब अब तक फिर दोबारा आ रहा। देखिए आंगनबाड़ी सेविका के चयन का सर कुछ बात करनी है आपसे, एक मिनट सर, इतना दूर से आए कुछ सुन तो लीजिए, बता दीजिए ना, वहाँ बता दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, समस्या माइक के नजर से कर लीजिए, बोलिए, मास्क नीचे कर लीजिए, बोलिए। सर, मैं अपने गांव में आंगनबाड़ी खोलना चाहती हूँ। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर एक आंगनबाड़ी है, वहाँ पर बच्चा पहुँच नहीं पाता। आपके आपके आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? जी सर, 1 किलोमीटर दूर है। आप कह रही कि आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में 1 किलोमीटर की दूरी पे है सर, बता रही है कि 1 किलोमीटर मेरे गांव से दूरी पे है, गांव में स्थापित करना चाहती है, नहीं गांव में चाहती है आंगनबाड़ी केंद्र लगाई थी समाज कल्याण वाले के लिए। हेलो, अरे भाई आई है सारण से पिंकी कुमारी, ये करी आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में, सर इसके गांव से 1 किलोमीटर दूर बना हुआ, करी गांव के पास होना चाहिए, जब देख लीजिए काहे दूर है और गांव में अगर जगह है
तो वहां काहे नहीं किया है मेहरबानी कर, देख लीजिए कह रही थी इसकी पूरी बात तो सुन लीजिए समझ लीजिए और वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है बैठ जाइए सर, बैठिए पेपर दीजिए सर, पीछे करते हैं अपनी समस्या बोलिए। क्या जी किनकी मृत्यु हुई है? किनकी मृत्यु हुई है बाबू? माता जी की मृत्यु कोविड-19 से 6 साल हो गए। पटना में है? हेलो। अरे भाई ये जो है ना ये कोरोना से मृत्यु हुई है आपके माता जी का सारण से है शशिकांत पटना में भी 17 मई 2021 ठीक है देख लीजिए। जी मेरा नाम अर्जुन पांडे है, मैं सही फरारी हूँ, हमको तीरंदाजी के लिए तीर धनुष नहीं है सर। कला संस्कृति का शुक्र लगा हेलो। हाँ ये सर बात कर रहे हैं, साहब बात कर रहे हैं। हेलो अरे नमस्कार, इसका सुन लीजिए, ये पटना के पुनपुन से आई आया है अर्जुन पांडे, कारा के दिव्यांग राज्य स्तरीय खिलाड़ी आधुनिक सुविधा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ राज्य की पूरी बात सुन लीजिए, उसको सहायता कर सकते हैं। देखिए बैठ जाइए सर, कागज दे दीजिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बोलिए समस्या सर अपनी उसकी यहाँ के नजदीक होगी, माइक पर बोलिए समस्या। आज पट्टी हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे में लोक निवारण पदाधिकारी से आदेश, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बोलिए माइक में अपनी समस्या, माइक में नहीं कहकर बोलिए, माइक में सटके बोलिए। मेरे पिताजी का राहत का पैसा दूसरे को चला गया। मेरे पिताजी का पैसा जो है, बात है कब की बात है? 2017-2019 का बाढ़ राहत पैसा है, 17 और 19 का दूसरे के खाता में गया था, उसके खाता में नहीं गया वो सर। जी सर साहब बात
हेलो। अरे भाई, एक सीतामढ़ी से एक व्यक्ति आया है, रामेश्वर महतो, तो कह रहा है कि बाढ़ राहत का पैसा ये 1900 ग्राम कहीं दूसरे को दे दिया। ठीक है, पूरा समझ लीजिए। ठीक, आइए आइए। क्या समस्या है सर? स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा अनियमितता बढ़ती गई और टीचर मनमाना ढंग से आते जाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं। ठीक है, इनको लो समाज कर लेना। आई 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 आई